राजधानी पटना से सटे मनेर थाना क्षेत्र से ब्यापुर गांव स्थित लक्की चिमनी भट्टा की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन चार मजदूर जख्मी भी बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मनेर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को पटना रेफर किया गया, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। मरने वालों में सभी महिलाएं हैं। घटना के बाद से ईंट भट्टा का मालिक मौके से फरार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मजदूर ईंट भट्टे के डक, जिसमें कि ईंट को पकाया जाता है, के अंदर ईंट निकाल रहे थे। इसी दौरान डक की दीवार भरभराकर महिला मजदूर के ऊपर ही गिर गई, जिसके बाद मलबे में महिलाएं दब गई। जब तक निकाला जाता तब तक चार महिलाओं की मौत हो चुकी थी। मनेर में जो सूचना मिली है कि चिमनी की दीवार धसी है, ब्लास्ट नहीं हुआ, दीवार धसी है, उसमें छः मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें चार की मृत्यु हुई है, तो उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, बाकी दो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। एक तरफ जहां सरकार पुराने ईंट भट्टा को बंद करने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है, इसके बावजूद कई इलाकों में इसका संचालन जारी है। मनेर थाना इलाके में गंगा किनारे के क्षेत्रों में कई भट्टे ईंटें ऐसी हैं जो काफी पुराने हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बीते साल भी एक ईंट भट्टा पर हादसा हुआ था, जहां के मालिक की झुलस कर मौत हो गई थी। पटना से संजीव कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।